हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पर। और आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, 7 मीटर लंबे कुंडली में केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र का मान मिली टेस्ला में क्या होगा जब कुंडली में 230 टर्न है और 3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, एक कुंडली है। कुंडली का मतलब आप समझ गए होंगे, कुंडली का मतलब होता है क्वाइल। तो हमारे पास में एक क्वाइल है और अब इस क्वाइल में से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उस विद्युत धारा यानी कि I बराबर कितनी है, 3 एम्पियर है, बराबर। और इसमें जो टर्नों की संख्या है, ये टर्नों की संख्या है वो कितनी है, 230 है। और इसमें जो यहाँ पे कुंडली बनाई गई है, उसमें जो वायर यूज किया हुआ है, उस वायर की लंबाई कितनी है, 7 मीटर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि I बराबर हमें दे रखा है 3 एम्पियर और उसके बाद में यहाँ पे दे रखा है टर्न बराबर दे रखे हैं 230 टर्न और उसके बाद में यहाँ पे लंबाई हमें दे रखी है इस कॉइल की 7 मीटर, बराबर। ये हमें यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद में हमें ज्ञात क्या करना है, उसके बारे में देख लेते हैं। हमें ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मिली टेस्ला के अंदर, और आपको ये भी पता है टेस्ला इकाई किसकी है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की है। ठीक है, तो और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को हम किससे इंगित करते हैं, बी से इंगित करते हैं। तो यानी कि हमें चुंबकीय फ्लक्स घनत्व यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व ज्ञात करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन पूरा जो इसमें डाउट है वो क्लियर हो सके। तो उसके लिए मैं आपको क्या करूंगा, यहाँ पे दूसरी स्लाइड में यहाँ पे समझाऊंगा कि भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य, ये तीनों नाम एक ही है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इनको प्रदर्शित करते हैं हेंच से प्रदर्शित करते हैं। आपको ये भी पता होगा एक चुंबक होती है, वो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक होता है एन, दूसरा होता है एस होता है। और यहाँ पे N से चुंबकीय बल रेखाएं निकल के S की तरफ जाती है बाहर की साइड में। ठीक है, और अंदर की साइड में अगर बात करूं तो S से यहाँ पे N की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं गमन करती है यानी कि प्रवाहित होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि किसी बिंदु पर, यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स क्षेत्र है, इसके किसी भी बिंदु पर एक वेबर में उत्तरी ध्रुव द्वारा अनुभव, यानी कि क्या हुआ, एक वेबर में किसी भी बिंदु पर अगर बात करें, एक वेबर में जो हमारे पास में उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिण ध्रुव है, उसके द्वारा अनुभव किया गया जो बल यानी कि फोर्स है, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। उसके बाद में मैं यहाँ पे बात करूंगा कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को हम किससे इंगित करते हैं, इंगित करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, एच बराबर इसका फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना है, एन इंटू आई अपॉन लंबाई। N यहाँ पे क्या है, टर्नों की संख्या है, और I यहाँ पे धारा है, और यहाँ पे लंबाई यहाँ पे क्या है, L यहाँ पे क्या है, लंबाई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको जैसे कि दिख रहा है N इंटू आई, ये किसका फॉर्मूला है, ये मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का है, यानी कि MMF का फॉर्मूला क्या है, N इंटू आई होता है, उसके बाद में यहाँ पे L, तो ये भी इसका फॉर्मूला दूसरा बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ से इकाई निकलेगी, यानी कि MMF है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, उसकी उसका जो फॉर्मूला है वो होता है N इंटू आई होता है, और यहाँ पे I यानी कि विद्युत धारा है, विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या है, इकाई क्या है, एम्पियर, और यहाँ पे टर्न अपॉन मीटर हो जाएगा, क्योंकि लंबाई की इकाई क्या है, मीटर है। तो ये हमें यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की यहाँ पे इकाई देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में इसका दूसरा एक और फॉर्मूला होता है जो कि मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, एच बराबर होता है यहाँ पे बी अपॉन म्यू। बी यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को इंगित कर रही है, और यहाँ पे म्यू है वो यहाँ पे मीडियम की परमिएबिलिटी को इंगित कर रही है, यानी कि निरपेक्ष चुंबकशीलता को इंगित कर रहा है म्यू। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बी यहाँ पे मैं वापस लिख देता हूँ, और आपको ये भी पता होगा म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर होता है म्यू नॉट और म्यू आर। म्यू नॉट यहाँ पे क्या इंगित कर रहा है, म्यू नॉट ये इंगित कर रहा है कि किसी निर्वात की चुंबकशीलता, कोई वैक्यूम है उसकी परमिबिलिटी कितनी होती है, वो यहाँ पे म्यू नॉट इंगित कर रहा है, और म्यू जो आर है वो कर रहा है रिलेटिव परमिबिलिटी, यानी कि सापेक्षिक चुंबकशीलता या फिर आपेक्षिक चुंबकशीलता को इंगित कर रहा है म्यू आर। और यानी कि म्यू आर का हवा के अंदर इसका मान होता है इकाई। ठीक है, और म्यू नॉट का मान होता है यहाँ पे 4π × 10⁻⁷। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, 10⁷ हेनरी प्रति मीटर, बराबर। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये फॉर्मूले हो गए दोनों इसके। उसके बाद में हम आगे बात करेंगे कि ये तो हो गया यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।
तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो कहते हैं किसको है और इसे इंगित करते हैं हम पहले बी से इंगित करते हैं। तो किसी बिंदु पर एक यूनिट अनुपस्थ काट क्षेत्रफल में से गुजर रहे चुंबकीय फ्लक्स की जो मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। सीधा साधारण तरीके से मैं आपको अगर आपको समझाऊं यहाँ पे हमारे पास में एक ज्ञात चुंबक है। अब आपको पता है इस चुंबक के दो ध्रुव होंगे, एक होगा एन दूसरा होगा एस होगा, बराबर ये होते हैं। उसके बाद में आपको ये भी पता है कि चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की साइड में N से S की तरफ गमन करती है, बराबर ये भी आपको पता है। उसके बाद में आपको ये भी पता है कि S से N की तरफ इस चुंबक के अंदर की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये चुंबकीय बल रेखाओं का प्रवाह यानी कि गति किस तरफ होती है वो मैंने आपको बता दी। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है एक चुंबकीय बल रेखाएं नहीं होती, यहाँ पे बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं होती है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं N से S की तरफ गुजरती है। अब यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की बात करें तो यहाँ पे किसी एक एरिया यानी कि क्षेत्रफल हम क्या करेंगे यहाँ पे निश्चित करेंगे, यानी कि हमने एक यहाँ पे इतना क्षेत्रफल है वो एक निश्चित कर लिया, ठीक है। तो इकाई क्षेत्रफल इसे हम क्या बोल सकते हैं कि भाई इकाई क्षेत्रफल, ठीक है, इकाई क्षेत्रफल। अब ये क्या है इसमें चुंबकीय बल रेखा है, ठीक है ना। तो इकाई क्षेत्रफल में से चुंबकीय बल रेखा रेखाओं की जितनी मात्रा उसमें से गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो आसानी से आपको समझ में आ गया कि इकाई घन क्षेत्रफल में से जितनी चुंबकीय बल रेखाओं का गमन होता है उसे हम क्या कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा बी बराबर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फ्लक्स फ्लक्स अपॉन क्षेत्रफल। मैंने अभी बताया कि जो यहाँ पे क्षेत्रफल है उसमें से क्षेत्रफल में से जितनी यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोलते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ जाएगा, बराबर। अब हम बात करते हैं इसकी इकाई की, तो इकाई क्या हो जाएगी इसकी, फ्लक्स की होती है वेबर और यहाँ पे क्षेत्रफल की होती है मीटर स्क्वायर, बराबर। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसकी इकाई होगी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होता है कि एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है टेस्ला, क्या होता है टेस्ला होता है, ठीक है। अब मैं आपको आपको दूसरा एक और फॉर्मूला बताऊंगा कि बी बराबर यहाँ पे होता है म्यू नॉट म्यू अपॉन एच, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया अभी, ठीक है। तो यहाँ पे ये म्यू इंटू एच जो है वो किसके बीच में संबंध है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय तीव्रता के बीच में एक संबंध को इंगित कर रहा है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया म्यू नॉट बराबर क्या होता है, किसी मीडियम की परमेबिलिटी होती है, और म्यू नॉट बराबर क्या होता है, म्यू बराबर होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है, ठीक है। और म्यू आर का मान हवा के अंदर कितना होता है, इकाई होता है, और म्यू नॉट का मान 4π × 10⁻⁷ होता है, बराबर। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। और दूसरा एक और फॉर्मूला होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का, जो कि आप याद रखो नहीं रखो वो आपकी मर्जी है, मैं बता देता हूँ। म्यू नॉट म्यू आर इंटू एन इंटू आई अपॉन एल होता है, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला आप याद कर लेना, कभी कभार इससे भी क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ी सी आपको जानकारी दी है जिससे कि जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया वो आसानी से आप उसको सरल कर सकते हो। तो चलते हम सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन था 7 मीटर लंबे यानी कि इसमें धारा दे रखी थी, टर्न्स दे रखे हैं, लंबाई दे रखी है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व हमें ज्ञात करना था। तो अभी आपको पता चल गया है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बराबर क्या फॉर्मूला होता है, म्यू इंटू एच होता है, ठीक है। म्यू का मान तो हो गया 4π × 10⁻⁷ हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ म्यू बराबर हो गया 4π × 10⁻⁷, बराबर। ये किसका मान हो गया, म्यू का मान हो गया इनटू, अब हमें यहाँ पे एच दे रखा है, ये क्या है चुंबकीय फ्लक्स की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है इसका मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया था, एच बराबर क्या होता है एन इंटू आई होता है और लंबाई होता है, ठीक है। और एन इंटू एन एन यहाँ पे क्या इंगित कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है टर्न्स को, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसमें टर्न्स कितने दे रखे हैं, 230 दे रखे हैं। उसके बाद में यहाँ पे धारा कितनी दे रखी, 3 दे रखी है, और लंबाई क्या है 7 है, ठीक है। तो ये हो गया इसका हेंच का मान, तो मैं यहाँ पे सीधा इंटू कर लेता हूँ, 230 × 3/7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर आप वापस इसको सरल करते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा
यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 12 38 × 10⁻¹⁷। ठीक है, टेस्ला किस में मिलेगा? टेस्ला में मिलेगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हम ज्ञात क्या कर रहे हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व ज्ञात कर रहे हैं। जैसे आप इसको इंटू करोगे और 4 π से, तो आपको यहाँ पे 1238 × 10⁻¹⁷ मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई 1238 × 10⁻¹⁷ यहाँ पे आंसर तो नहीं दे रखा है तीन चारों में, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप ऊपर देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है मिली टेस्ला, ठीक है ना। तो मिली टेस्ला, मिली का मान कितना होना, 10⁻³ होता है मिली का मान, ठीक है। तो मिली टेस्ला में इसका मान अपने को ज्ञात करना है। तो आपको पता है जैसे ही 1238 अपॉन के अंदर जैसे ही इस 10⁻⁷ को नीचे भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, बराबर। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1238 × 10³³ × 10⁴, ये लिख सकता हूँ, ठीक है ना, बराबर। इसमें अपन लिख सकते हैं। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे 10³ को तो ऐसे ही रखना है और 10⁴ है उसका यहाँ पे 1238 में भाग देना है। तो हम भाग देते हैं, तो यहाँ पे 0.238 अपॉन 10³ होता है, और जैसे ही 10³ ऊपर आएगा तो यहाँ पे माइनस में बदल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.124 × 10³�³। ठीक है, अब 10³ −3 इसको हम मिली में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मिली टेस्ला में दे रखा है, तो ये मिली का मान हो गया, ठीक है ना। तो ये मान हो जाएगा इसका, और इसको हम लिखेंगे 1.124, ये किसका आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या राइट हो जाएगा? डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और इसी प्रकार हम आपके लिए एक क्वेश्चन के साथ में 10-15 क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करवाते जाएंगे, जिससे कि आपका जो IQ लेवल है वो बढ़ता जाएगा। तो इसी के साथ में, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिख रही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।